हेलो स्टूडेंट्स, आज भी हम कुछ सम देखेंगे जो यूनिट एंड डायमेंशन से रिलेटेड होगा और ये लास्ट आज लास्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास होगा। इसके बाद हम वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गॉज के बारे में देखेंगे। दो क्लास, आई थिंक आफ्टर टू क्लास योर फर्स्ट चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन विल गेट फिनिश, है ना। तो दो क्लास के बाद फिनिश हो जाएगा। तो अभी कुछ न्यूमेरिकल्स है, देखो अभी मैं ये बता रहा हूँ कि कोई भी यदि एक्सप्रेशन दिया हुआ है, अभी तक मैंने यही बताया, यदि आपको फॉर्मूला याद नहीं है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का रिजल्ट याद नहीं है, तो पैनिक होने की बात नहीं है, है ना। केवल आपको डायमेंशन लिखने आना चाहिए कि यदि किसी भी एक्सप्रेशन में कोई भी कॉन्स्टेंट दिया हुआ है तो उसका हम डायमेंशन कैसे लिखेंगे, है ना। तो उसी से रिलेटेड हम देखेंगे आज भी क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस होंगे एरर से रिलेटेड देखेंगे और किसी कॉन्स्टेंट का डायमेंशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, फार्मूला कैसे डिराइव करते हैं, इसी टाइप के प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं। और फिर एरर से रिलेटेड तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जेईई मेंस और एडवांस में जनरली उसे क्वेश्चंस आते हैं। इन्हीं डायमेंशन से तो आता ही है, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन एरर एनालिसिस से आता ही है। आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा, ठीक है। देखो क्या इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। फर्स्ट, इन केस ऑफ डिफ्यूजन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्रॉसिंग यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज गिवन एज। डिफ्यूजन आप पढ़ोगे, है ना, कहाँ, जब गैसियस स्टेट पढ़ोगे केमिस्ट्री में, तो वहाँ डिफ्यूजन आपको पढ़ना है ना। तो वहाँ ये रिलेशन नहीं मिलेगा, लेकिन डिफ्यूजन और इफ्यूजन दो चीज़ें आपको मिलेगा कि रेट ऑफ डिफ्यूजन, ग्राम्स लॉ है, एक होता है ग्राम्स ने ऐसा बताया था कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ क्या होगा एनी गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी, आगे पढ़ोगे, है ना। तो उसके बारे में हम नहीं डिस्कस करेंगे, केवल ये दिया हुआ है और आपको डायमेंशन लिखना है। तो इन केस ऑफ क्या होगा, क्वेश्चन ऐसे ही रहेगा, एग्जाम होगा तो उसमें क्वेश्चन ऐसे ही एक्सप्रेशन दिए रहेंगे, रिलेशन दिया रहेगा और आपसे किसी भी क्वान्टिटी, किसी भी कॉन्स्टेंट का या किसी भी क्वान्टिटी का आपसे डायमेंशन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ क्या है, अगेन फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, इन केस ऑफ डिफ्यूजन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्रॉसिंग यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज गिवन एज एन। एन क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्रॉसिंग यूनिट एरिया यूनिट टाइम या पर यूनिट टाइम, ऐसे ही बोलते हैं, पर यूनिट टाइम एन दिया हुआ है ना। और ये क्या है, माइनस डी, डी को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन कोएफिशिएंट ऑफ डिफ्यूजन बोलते हैं, एन टू माइनस एन वन अपॉन क्या होगा, एक्स टू माइनस एक्स वन, ठीक है। माइनस साइन कुछ इंडिकेट करता है, इससे कोई मतलब नहीं है ना। वेयर एन वन एंड एन टू आर द नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम एट पोजिशन एक्स वन एंड एक्स टू। एन वन क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, सिंपल याद रखना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, इसको हम क्या बोलते हैं, नंबर डेंसिटी भी बोलते हैं और कैरियर कॉन्सेंट्रेशन भी बोलते हैं, आगे जब आप पढ़ोगे तो आपको मालूम चलेगा। तो एन वन एन टू आर द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम एट पोजिशन एक्स वन एंड एक्स टू, ठीक है। आई मीन एक्स वन एंड एक्स टू पे क्या है, पोजिशन जो है वो क्या है, सॉरी x1 x2 पोजीशन पे नंबर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या दिया हुआ है, n1 एंड n2 दिया हुआ है। आई मीन x1 x2 जो है वो क्या है, पोजीशन है। आई मीन x1 x2 का जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा, लेंथ के डायमेंशन के क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। देन द डायमेंशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ डिफ्यूजन d इज, है ना, देन डायमेंशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ डिफ्यूजन d इज, पहला ऑप्शन दिया हुआ है एल स्क्वायर टी माइनस वन, सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है एल टी माइनस टू, थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है एल स्क्वायर टी रेस टू फोर, एंड लास्ट जो ऑप्शन दिया हुआ है एल टी माइनस क्या है, थ्री, एल टी माइनस थ्री। तो एन पहले हम क्या करेंगे, यहाँ जब भी डायमेंशन मुझे किसका लिखना है, डी का लिखना है, तो पहले हम एन का डायमेंशन लिख लें और इसका डायमेंशन लिख लें, तो आसानी से हम क्या कर सकते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम पहले सिंबल का मीनिंग समझेंगे। एन क्या है, देखो ध्यान से, एन क्या है, एन इज इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना, क्या है, नंबर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्रॉसिंग यूनिट एरिया, आई मीन पर यूनिट एरिया, इनटू क्या होगा, टाइम।
एन को हम ऐसे लिखेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और आपको मालूम है कि कोई भी नंबर जो होता है वो क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। मैं बोलूं कि एवोगाड्रो नंबर का आप डायमेंशन बताओ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का डायमेंशन बताओ, तो क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा। तो ये वाला जो होगा, आई मीन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होगा वो क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा, डायमेंशन लेस होगा, है ना। इसका मतलब क्या है, हम बोल सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ एन इज इक्वल टू क्या होगा, डायमेंशन ऑफ एरिया के पावर माइनस वन इंटू डायमेंशन ऑफ टी के पावर क्या होगा, टी आई मीन टाइम मैंने ले लिया माइनस, अंदर भी लिख सकते हो टी के पावर क्या होगा माइनस, स्मॉल टी क्या है, टाइम, ठीक है। तो एरिया का डायमेंशन क्या होगा, लेंथ स्क्वायर होता है, तो हम लिख सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ एन इज इक्वल टू क्या होगा, डायमेंशन ऑफ एल के पावर माइनस टू इंटू डायमेंशन ऑफ क्या होगा, टी के पावर माइनस वन। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एल माइनस टू टी माइनस क्या होगा, ठीक है। तो एन का डायमेंशन अपने को क्या हुआ, मालूम चला गया, चल गया कि एन का डायमेंशन क्या होगा, ठीक है। हमेशा याद रखना है कि नंबर जो होता है ये क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एवोगाड्रो नंबर, दिस ऑल आर डायमेंशन लेस क्वांटिटी, ठीक है। तो इसलिए n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो होगा वो क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा। तो n का जो डायमेंशन होगा वो वन अपॉन एरिया इंटू वन इंटू टाइम के डायमेंशन से क्या होगा, डायमेंशन के क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, n2 माइनस n1, है ना। तो n2 माइनस n1 का हम डायमेंशन लिख लें। अब देखो क्या है, n1 and n2 क्या है, देखो n1, n1 is equal to क्या है, number of क्या है, again molecules upon क्या है, wall, ठीक है। उसी तरह n2 क्या है, number of क्या होगा, molecules upon क्या होगा, wall। इसका मतलब हम बोल सकते हैं, ऐसे भी देखो, यहां से प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को आप, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से आप यदि सोचोगे तो आपको क्या मालूम चलेगा कि n2 और n1 का डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तभी हम क्या कर सकते हैं, n1 और n2 को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, सबट्रैक्ट कर सकते हैं। मल्टीप्लीकेशन में कोई जरूरी नहीं, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, हम बोल सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ क्या होगा, एन वन इज इक्वल टू क्या होगा, डायमेंशन ऑफ क्या होगा, n2 is equal to dimension of क्या होगा, volume, है ना, volume के power क्या होगा, volume के power क्या होगा, minus, सही है। Again क्या होगा, ये वाला जो term होगा वो क्या होगा, dimension less हो जाएगा, क्या हो जाएगा, dimension less, ठीक है। तो यहाँ dimension जब लिखोगे तो क्या लिखोगे, l के power क्या हो जाएगा, minus 3 हो जाएगा। जब n2 माइनस n1 का भी डायमेंशन क्या हो जाएगा, डायमेंशन क्या हो जाएगा, l के पावर माइनस 3, ठीक है, कोई डाउट नहीं है, है ना। अब हम क्या लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, अब यहाँ x2 और x1 क्या है यार, लेंथ है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ, देखो ध्यान से क्या लिख सकते हैं, x2, इसकी जरूरत है, चलो बाद में लिख लेते हैं, है ना। X2 हम लिख सकते हैं क्या होगा कि डायमेंशन ऑफ X2, देखो X2 X1 इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या होगा कि डायमेंशन क्या है, इक्वल है। तो डायमेंशन ऑफ X2 इज इक्वल टू क्या होगा, डायमेंशन ऑफ X1 इज इक्वल टू क्या होगा, डायमेंशन ऑफ, यहाँ भी लिख सकते हैं कि X2 माइनस X1 का जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा, डायमेंशन ऑफ लेंथ के क्या होगा, इक्वल होगा, है ना, क्या होगा, लेंथ के क्या होगा, इक्वल होगा। अब यहां से आप आसानी से क्या कर सकते हो, सबका अब हमने क्या किया, डायमेंशन लिख दिया। अब देखो n इक्वल टू क्या दिया, n इक्वल टू माइनस d, है ना, n2 माइनस n1 अपॉन क्या दिया हुआ है, x2 माइनस क्या होगा, x1। ये ऐसे आप डायमेंशन मत समझ जाना, ऐसे मैं लिख देता हूं, है ना, ठीक है। अब हम लिख सकते हैं, देखो n2 d इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, d इक्वल टू n इंटू माइनस n इंटू क्या लिख सकते हैं,
आई मीन एक्स टू, एक्स टू माइनस एक्स वन है ना, अपॉन क्या होगा एन टू माइनस, ठीक है। अब हम डायमेंशन, सबका डायमेंशन लिख सकते हैं, तो देखो क्या होगा। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि डायमेंशन ऑफ d इज इक्वल टू क्या होगा, डायमेंशन ऑफ क्या होगा, डायमेंशन ऑफ n इंटू डायमेंशन ऑफ क्या होगा n2 माइनस n1 अपॉन डायमेंशन ऑफ x2 माइनस x1, ठीक है। सबका डायमेंशन लिख डालो, है ना। तो इसका डायमेंशन n का क्या था, अभी मैंने बताया था, क्या था, l माइनस टू टी माइनस वन इंटू, इसका डायमेंशन क्या था, l रेज टू माइनस थ्री है ना, अपॉन क्या है, हमने ठीक है, हमने कुछ गलत कर दिया क्या, है ना। देखो तो n का नंबर ऑफ एरिया पर यूनिट तो सही है, n2 माइनस n1 का डायमेंशन क्या हो जाएगा, हमने कुछ गलत लिख दिया क्या, अच्छा यहाँ गलत लिख दिया है इसलिए गलत आ रहा है ना, अभी मुझे समझ में आया। तो यहाँ क्या लिखेंगे, x2 माइनस माइनस एक्स वन का डायमेंशन डिवाइडेड बाई क्या होगा, एन टू माइनस एन वन का डायमेंशन, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, देखो एक्स टू माइनस एक्स वन का डायमेंशन क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है। और एन टू माइनस एन वन का डायमेंशन देखो थे क्या हो जाएगा, एल रेस टू क्या हो जाएगा, माइनस थ्री। इसको लिख सकते हो, देखो एल माइनस टू टी माइनस वन इन टू क्या हो जाएगा, एल रेस टू क्या हो जाएगा, एल रेस टू, ठीक है। जब सिंप्लीफाई करोगे तो कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर टी माइनस क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर टी माइनस, तो आंसर कौन सा होगा, देखो एल स्क्वायर टी माइनस वन क्या हुआ, आंसर है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ठीक है, क्या होगा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। उसके बाद तो ऐसे हम क्या करते हैं, हमेशा देखो इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके टेस्ट में भी, तो आपको केवल माइंड में रखना है कि हमको कैसे डायमेंशन निकालना है ना, किसी भी क्वांटिटी का। तो दूसरा एग्जांपल देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि इफ देखो अल्फा इज इक्वल टू एफ अपॉन वी स्क्वायर साइन ऑफ बीटा इंटू टी, ठीक है, साइन ऑफ बीटा इंटू क्या होगा टी, वेयर वेयर एफ इज इक्वल टू क्या है, फोर्स, वी इज इक्वल टू क्या है, वेलोसिटी, वी इक्वल टू क्या है, वी इक्वल टू वेलोसिटी, और एंड अल्फा एंड बीटा क्या है, एंड अल्फा बीटा क्या है, कॉन्स्टेंट है। देन आपको आपसे पूछा गया है, देन फाइंड डायमेंशन ऑफ अल्फा अल्फा एंड बीटा, ठीक है, अल्फा एंड बीटा का क्या करना है डायमेंशन आपको। देखो इसको सोचो, कैसे बता सकते हो तुम लोग, कैसे सोचोगे। अब देखो कॉन्सेप्ट क्या है, पहला तो कॉन्सेप्ट है कि LHS और RHS, अब देखो क्या है, यदि ऐसे दिया हुआ है, क्या है, साइन ऑफ यहाँ समथिंग दिया हुआ है, यहाँ कुछ दिया हुआ है, तो ये जो टोटल जो होता है ये भी क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है, मैंने कई बार बताया है, डायमेंशन क्या होगा, लेस, और ए वाला भी क्या होता है, डायमेंशन आई मीन एंगल भी क्या होगा, डायमेंशन क्या होगा, लेस, ठीक है, यही कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है। इसका मतलब क्या होगा, देखो यहाँ पहले हम इधर से देखें तो साइन बीटा टी जो होगा वो क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा, ठीक है, और बीटा टी जो होगा वो भी क्या होगा, डायमेंशन डायमेंशन क्या होगा, लेस। इसका मतलब क्या हुआ कि देखो ये डायमेंशन लेस तभी हो सकता है जब टी यहां क्या है, टाइम है, वेयर फोर्स एंड टी लिख लेना, टी टाइम नहीं तो टी इक्वल टू टाइम, ठीक है। अब देखो ये डायमेंशन लेस तभी हो सकता है
जब बीटा का डायमेंशन क्या होना चाहिए, टी के डायमेंशन का क्या होना चाहिए, रेसिप्रोकल होना चाहिए, है ना। तो यहां से हम ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि डायमेंशन आई थिंक अब आपको डायमेंशन लिखने आ जाना चाहिए, है ना, नहीं आ रहा है तो फिर तो ठीक है। बीटा तो यहां लिख सकते हैं कि डायमेंशन अब क्या होगा, डायमेंशन अब बी इज इक्वल टू क्या होगा, डायमेंशन ऑफ टी के पावर माइनस वन, सही है क्या, सॉरी बी आई मीन डायमेंशन ऑफ बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, डायमेंशन ऑफ टी के पावर क्या हो जाएगा, माइनस वन, ठीक है। अब देखो क्या है, अब ए डायमेंशन लेस हो गया, इसका मतलब हम बोल सकते हैं, देखो तो ये क्या होगा, दिया हुआ है क्या होगा, अल्फा इज इक्वल टू क्या है, अल्फा इज इक्वल टू एफ अपॉन क्या दिया हुआ है, वी स्क्वायर साइन ऑफ बीटा टी। अब ए वाला क्या हुआ, डायमेंशन लेस हो गया, डायमेंशन लेस हो गया, इसका मतलब क्या होना चाहिए, इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, क्या लिख सकते हैं, डायमेंशन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, डायमेंशन ऑफ फोर्स अपॉन क्या होगा, डायमेंशन ऑफ वी स्क्वायर। डायमेंशन ऑफ फोर्स आपको मालूम है कितना होता है, एम एल टी माइनस क्या होगा, टू, और डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी जो होता है वो क्या होता है, एल टी माइनस क्या होता है, वन द होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आप डायमेंशन ऑफ अल्फा कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, देख सकते हो तुम कितना होगा, देखो m है ना, एल टी माइनस टू डिवाइडेड बाई क्या होगा, एल स्क्वायर टी माइनस टू, और ये कितना हो जाएगा, m l माइनस वन, ठीक है, t रेस टू क्या हो जाएगा, जीरो, आई मीन क्या हो जाएगा, m l माइनस क्या हो जाएगा, ठीक है, यही होगा ना, इसका डायमेंशन क्या होगा, एल टी माइनस टू, एल टी माइनस वन तो एल टी एल स्क्वायर टी माइनस टू एम एल टी माइनस टू, तो क्या होगा, तो अल्फा बीटा का जो डायमेंशन आया फाइनली कितना आया, देखो डायमेंशन ऑफ अल्फा बीटा कितना होगा, डायमेंशन ऑफ अल्फा बीटा डायमेंशन ऑफ अल्फा बीटा क्या हुआ, डायमेंशन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू क्या हुआ, एम एल माइनस वन, एंड डायमेंशन ऑफ बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, देखो क्या होगा, एम एल टी माइनस क्या होगा, सॉरी क्या कितना आया, बीटा का डायमेंशन क्या हुआ, टी माइनस टू, ठीक है। तो इसके बाद में देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स, और थोड़ा मैं साउंड चेक कर लेता हूँ, है ना, ओके। आता है, आता है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं, अच्छा चलो ठीक है। तो कुछ सम देखेंगे इससे रिलेटेड, है ना, क्या होगा इससे रिलेटेड और भी हम सम देखेंगे, है ना। तो और दूसरा सम क्या है, एक और सम देख लो इस पे, है ना, सेमी क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं क्या कर रहा हूँ, ट्विस्ट कर रहा हूँ, है ना, थोड़ा और इस टाइप का दिया कि अगेन देखो क्या दिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर क्या है, थ्री, कि इफ अल्फा इज इक्वल टू एम अपॉन वी स्क्वायर साइन ऑफ बीटा टी प्लस क्या होगा गया, ठीक है, वेयर वेयर एम इज इक्वल टू क्या है, मास, वी इज इक्वल टू क्या है, वेलोसिटी, टी इज इक्वल टू क्या है, टाइम, देन क्या करना है, देन देखो ध्यान से, देन फाइंड अल्फा, फाइंड डायमेंशन ऑफ क्या होगा, डायमेंशन
डायमेंशन ऑफ है ना, डायमेंशन ऑफ अल्फा कॉमा बीटा एंड कॉमा गेमा, ठीक है, या गामा है ना। तो हम अगेन कॉन्सेप्ट वही है ना, पहले देखो क्या होगा कि ये वाला टर्म पहले लिख देता हूँ। गिवन में क्या है, गिवन में अल्फा इज इक्वल टू क्या है, एम अपॉन वी स्क्वायर साइन ऑफ क्या है, बीटा टी प्लस गेमा है ना। अब देखो क्या है, अगेन ये टोटल टर्म क्या होगा, डायमेंशनलेस होगा, डायमेंशन लेस है ना। ये वाला जो टर्म होगा वो क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा, ठीक है, क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा है ना, क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा। अब देखो ध्यान से है ना कि कैसे हम सॉल्व करते हैं ना डायमेंशन लेस। तो पहले हम आते हैं एंगल, हमेशा याद रखना साइन और कॉस टैन या इनवर्स, मैंने बताया भी था कि साइन भी डायमेंशन लेस होता है, एंगल भी क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा, ठीक है। अब हम आते हैं इसको वन बाई वन देखेंगे। तो एंगल क्या होगा, देखो एंगल क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा है ना। इसका मतलब डायमेंशन लेस का मतलब क्या हुआ, एम के पावर जीरो, एल के पावर जीरो, टी के पावर क्या होगा, तो हम लिख सकते हैं देखो कि बी टी प्लस गेमा का जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा, एम रेज टू क्या होगा जीरो, एल रेज टू जीरो, टी रेज टू जीरो, यही होगा ना यार। अब देखो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ से देख सकते हो कि ये दोनों का सम है, इसका मतलब इसका भी डायमेंशन ये क्वांटिटी, ये भी क्या होना चाहिए, डायमेंशन डायमेंशन लेस होना चाहिए, और ये भी क्या होना चाहिए, डायमेंशन लेस होना चाहिए, डायमेंशन लेस होना चाहिए, डायमेंशन लेस, तभी तो यार उनका सम भी होगा क्या, दो यदि क्वांटिटी हो, यदि दोनों डायमेंशन लेस होगा तभी तो उनका सम जो होगा वो क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा। इसलिए हम बोल सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ गेमा, डायमेंशन ऑफ गेमा इज इक्वल टू क्या होगा, एम रेज टू जीरो, एल रेज टू जीरो और टी रेज टू जीरो, और इक्वल टू हम लिख सकते हैं डायमेंशन लेस, डायमेंशन लेस, ठीक है। सिमिलरली हम लिख सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ बीटा टी इज इक्वल टू क्या होगा, अगेन एम रेज टू क्या हो जाएगा जीरो, एल रेज टू जीरो, टी रेज टू क्या होगा जीरो। तो बीटा का जो डायमेंशन होगा वो डायरेक्ट यहाँ से हम लिख सकते हैं कि टी के पावर क्या हो जाएगा, माइनस वन, ठीक है। अब ए डायमेंशन लेस हो गया तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि अल्फा का डायमेंशन जो होगा वो क्या होगा, मास अपॉन वेलोसिटी के क्या होगा। नाउ अगेन क्या लिख सकते हैं, नाउ डायमेंशन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, डायमेंशन ऑफ मास अपॉन वेलोसिटी, यहाँ लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ मास क्या होगा एम, और डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी स्क्वायर आई मीन एल टी माइनस वन टू, तो ये कितना हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी, ठीक हो, ठीक है। तो यही क्या होगा तुम्हारा, फाइनली अल्फा का डायमेंशन मालूम चल गया, ठीक है, क्या हुआ, अल्फा का डायमेंशन मालूम चल गया। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, सोचते हैं, ठीक है। तो उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देखो, अगेन इफ क्या होगा, इफ अल्फा इज इक्वल टू एफ अपॉन वी स्क्वायर एल एन बीटा एक्स प्लस, ठीक है, समझ में आया ना, वेयर वेयर एफ इज इक्वल टू क्या होगा फोर्स, वी इज इक्वल टू क्या होगा वेलोसिटी, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू क्या होगा पोजीशन, पोजीशन है ना, देन फाइंड क्या है, देन फाइंड डायमेंशन
डायमेंशन ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा, देन फाइंड डायमेंशन ऑफ अल्फा बीटा एंड क्या होगा एंड गामा, ठीक है। अब आप कैसे सोचोगे इसको, ये भी प्रॉब्लम, इस टाइप का भी प्रॉब्लम मैंने बताया है ना, क्या होगा आप कैसे सोचोगे इसको, कैसे सोचोगे आप, इफ अल्फा इक्वल टू एफ अपॉन वी स्क्वायर एल एन बीटा एक्स प्लस गेमा। तो मैंने ये बताया था कि जितने भी लॉग होते हैं, आई मीन लॉग और क्या होगा आर्गुमेंट, उसका क्या होगा डायमेंशन लेस होगा। तो यहाँ हिंट्स में क्या लिखोगे या कैसे सोचोगे, देखो कॉन्सेप्ट क्या है ये आपको जानना जरूरी है। तो पहले हम लिखेंगे कि L इंटू समथिंग, समथिंग यहाँ दिया हुआ है ना, आई मीन ये क्या होगा, देखो ये टोटल क्या होगा, इसको हम क्या बोलते हैं आर्गुमेंट बोलते हैं है ना, इसको हम क्या बोलते हैं आर्गुमेंट। तो ये टोटल जो होगा वो क्या होगा, ये ऑटोमेटिक क्या होगा, आई मीन ये भी क्या होगा, देखो ये टोटल जो होगा वो क्या होगा डायमेंशन लेस होगा, डायमेंशन लेस होगा। ये भी होगा, आई मीन ये वाला जो आर्गुमेंट जिसको बोलते हैं ये भी क्या होगा डायमेंशन लेस होगा, ठीक है। यही आपका क्या है जो कॉन्सेप्ट है इसको अप्रोच करने का, इस अप्रोच से आई मीन इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम इस प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं अप्रोच कर सकते हैं, आई मीन इसको आपको यूज करना है। उसके बाद क्या है कि लॉग दिया हुआ है और उसका, इसको हम क्या बोलते हैं आर्गुमेंट बोलते हैं है ना, तो लॉग और उसका आर्गुमेंट दोनों क्या होता है डायमेंशन लेस होता है ना। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करोगे तो आप आसानी से इस प्रॉब्लम को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से, ये समझ में आया कि इसी कॉन्सेप्ट को क्या करना है मुझे यूज करना है। तो अब हम लिख सकते हैं यहाँ कि देखो इसका मतलब क्या है कि ये जो हुआ आई मीन ये वाला जो टर्म है वो क्या होगा डायमेंशन लेस होगा। तो पहले हम लिखेंगे कि एल एन बीटा एक्स प्लस गेमा इज इक्वल, इज क्या होगा, इज क्या होगा डायमेंशन लेस, डायमेंशन लेस, ठीक है। आई मीन हम लिख सकते हैं देखो ध्यान से, डायमेंशन ऑफ एल एन ठीक है बीटा एक्स प्लस गेमा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे एम रेस टू जीरो एल रेस टू जीरो टी रेस टू जीरो, ठीक है। उसके बाद ये वाला भी क्या होगा डायमेंशन लेस होगा यार, डायमेंशन क्या होगा लेस होगा है ना। तो हम लिख सकते हैं कि बीटा एक्स प्लस गेमा का जो डायमेंशन होगा अगेन क्या होगा एम रेस टू जीरो एल रेस टू जीरो टी रेस टू जीरो, ठीक है। अब अगेन एल एच एस आर एच एस क्या है डायमेंशन लेस हो गया, तो एल एच एस को भी क्या होना चाहिए डायमेंशन लेस होना चाहिए। तो हम बोल सकते हैं आई मीन ये भी क्या होना चाहिए डायमेंशन लेस, गेमा शुड भी डायमेंशन लेस, बीटा इंटू एक्स शुड भी क्या होना चाहिए डायमेंशन लेस। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से गेमा शुड भी क्या होना चाहिए डायमेंशन लेस, ठीक है डायमेंशन लेस, और क्या लिख सकते हैं बीटा इंटू एक्स शुड भी ऑल्सो क्या होना चाहिए डायमेंशन लेस। तो यहाँ हम ये भी लिख सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ बीटा शुड भी क्या होना चाहिए डायमेंशन ऑफ एक्स के पावर क्या होना चाहिए माइनस वन। तो हम लिख सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ एल के पावर क्या हो जाएगा माइनस, और अल्फा का डायमेंशन तो आप आसानी से बता सकते हो कि अल्फा का डायमेंशन क्या होगा है ना। तो अल्फा का जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा, सॉरी अल्फा का डायमेंशन क्या होगा, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं देखो क्या हो गया अल्फा इज इक्वल टू क्या है एफ अपॉन क्या होगा वी स्क्वायर एल एन है ना बीटा एक्स प्लस, तो दिस ए क्या होगा डायमेंशन लेस, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा डायमेंशन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा डायमेंशन ऑफ एफ अपॉन क्या होगा वी स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो डायमेंशन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू एम एल टी माइनस टू, और इसका जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा एल टी माइनस वन के पावर क्या हो जाएगा
इसको सिंप्लीफाई करो तो डायमेंशन ऑफ क्या हो जाएगा, आपको क्या मिल जाएगा, अल्फा मालूम चल जाएगा, क्या हो जाएगा, अल्फा मालूम चल जाएगा। डायमेंशन ऑफ अल्फा जो होगा वो क्या होगा, डायमेंशन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, डायमेंशन देखो एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, तो एम एल टी माइनस क्या हो जाएगा, टू है ना, तो डायरेक्ट क्या क्या हो जाएगा, एफ अपॉन बी स्क्वायर, आई मीन क्या हो जाएगा, मास का क्या होगा, डायमेंशन आएगा, यही आएगा ना, देखो तो एम एल स्क्वायर, तो एम एल टी माइनस टू अपॉन क्या होगा, एल स्क्वायर है ना, एम है ना, एल टी माइनस टू अपॉन क्या होगा, एल स्क्वायर टी माइनस टू स्क्वायर, यही होगा ना, ये कैंसिल हो जाएगा है ना, ये कैंसिल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, एम एल के पावर क्या हो जाएगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा का जो डायमेंशन होगा इसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर मास डेंसिटी। तो क्या हो जाएगा, क्योंकि ये क्या हुआ, मास अपॉन लेंथ हो गया, तो डायमेंशन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ क्या होगा, लीनियर लीनियर मास डेंसिटी मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है ना। तो उसके बाद और एक क्वेश्चन है, तुम दूसरा न्यूमेरिकल हम देखते हैं है ना। देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर क्या होगा, 5। द एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ठीक है, रिप्रेजेंट्स रिप्रेजेंट्स ए में क्या होगा, पावर, बी में क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी, और सी जो होगा वो क्या होगा, सी जो होगा वो क्या होगा, मोमेंटम, और डी ऑप्शन जो दिया हुआ है वो प्रेशर दिया हुआ। और आपको इसमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन क्या होगा, है ना। अब देखो इसमें कुछ नहीं है, आपको सबका क्या होना चाहिए, डायमेंशन क्या होना चाहिए, आई मीन सबका रिजल्ट क्या होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। अब सब रिजल्ट मैंने वन बाय वन एक्सप्लेन भी किया था आप लोगों को, है ना। तो यहाँ आप देखेंगे कि पावर क्या होता है, पावर इक्वल टू देखो पहले पावर, तो पावर इक्वल टू क्या होगा, वर्क अपॉन क्या होता है, वर्क अपॉन क्या होता है, टाइम, और वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स, फोर्स इनटू क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या होगा, टाइम। अब आप यहां से पावर का डायमेंशन लिख सकते हो, तो डायमेंशन ऑफ पावर इज इक्वल टू क्या होगा, डायमेंशन ऑफ फोर्स, डायमेंशन ऑफ फोर्स इनटू डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या होगा, डायमेंशन ऑफ टाइम, ठीक है। अब डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या है, एम एल टी माइनस क्या है, टू, डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, लेंथ अपॉन क्या होगा, डायमेंशन ऑफ टाइम क्या होगा, कैपिटल टी होता है। तो यहाँ जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस क्या होगा, ए पावर, ठीक है। टी डायमेंशन अब क्या हो गया, पावर हो गया। काइनेटिक एनर्जी का जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा, वर्क के डायमेंशन के क्या होगा, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी का जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा, वर्क के डायमेंशन के क्या होगा, इक्वल। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि अब दूसरा जो ये पावर हो गया,
लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन हमने देखा था कि लीनियर मोमेंटम पी इज इक्वल टू क्या होता है, मास टाइम क्या होता है, वेलोसिटी, है ना। और मास आई मीन अब तो डायमेंशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होगा, डायमेंशन ऑफ मास है ना इनटू डायमेंशन ऑफ क्या होगा सिटी, और ये क्या हो जाएगा मास का एम और वेलोसिटी का क्या हो जाएगा एल टी माइनस, ठीक है। तो देखो पावर का डायमेंशन नहीं हो सकता है वो, है ना, लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन नहीं हो सकता है, प्रेशर का डायमेंशन लिख दें यार, प्रेशर इक्वल टू क्या होगा, प्रेशर इज इक्वल टू क्या होगा, फोर्स अपॉन क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया। तो यहाँ से प्रेशर का भी डायमेंशन लिखोगे, प्रेशर का डायमेंशन जो होगा वो क्या होगा, फोर्स का डायमेंशन, फोर्स का डायमेंशन क्या होगा एम एल टी माइनस क्या होगा टू डिवाइडेड बाई क्या होगा एरिया का डायमेंशन एल एस वाई। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा एम एल माइनस वन टी माइनस क्या होगा, तो प्रेशर का भी डायमेंशन नहीं हो सकता, इसका मतलब क्या होगा, ये क्या होगा एनर्जी का डायमेंशन होगा। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, बी होगा, करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, बी जो होगा वो क्या होगा करेक्ट ऑप्शन होगा, है ना। उसके बाद उसके बाद देखो, है ना, कि देखो ये अच्छा क्वेश्चन है ना, मैं अलग इसमें एक और क्वेश्चन मैं बताता हूँ आपको, दिया हुआ है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आई थिंक 6 होगा, लिक्विड वाटर, ऐसे समझ लो कि वाटर, वाटर इज फ्लोइंग फ्लोइंग थ्रू ए ट्यूब, थ्रू ए ट्यूब ऑफ लेंथ एंड रेडियस, एंड रेडियस आर, है ना, द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स, है ना, द प्रेशर, द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ द ट्यूब इज, ऑफ द ट्यूब इज पी, द विस्कोसिटी ऑफ द वाटर इज गिवन एज, द विस्कोसिटी water is given as given as, है ना, देखो दिया हुआ है eta p into क्या होगा r square minus x square upon 4 v, यही क्या है विस्कोसिटी, दिस इज विस्कोसिटी, इसको कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी बोलते हैं,
ठीक है, द डायमेंशन ऑफ विस्कोसिटी है ना, फ्रॉम दिस रिलेशन है ना, फ्रॉम दिस रिलेशन डायमेंशन ऑफ विस्कोसिटी ईटा, इसको हम ईटा पढ़ते हैं, इज ऑप्शन दिया हुआ है देखो, एम रेस टू जीरो, एल रेस टू जीरो, टी रेस टू जीरो, बी ऑप्शन देखो कि क्या एम एल टी माइनस क्या है वन, सी ऑप्शन देखो आप एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, एंड डी ऑप्शन देखो है ना कि एम एल माइनस वन टी माइनस, ये किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ना। तो आपको क्या करना है, इसको यूज करके देखो, यहाँ आपको कुछ रटना नहीं है, यहाँ सब चीज़ दिया हुआ है, पी क्या है प्रेशर है, आर क्या है रेडियस है, एक्स क्या है लेंथ होगा कुछ है ना किसी डिस्टेंस पे है ना, एक्स क्या है एक्स लेंथ होगा, ठीक है ना। तो आपको इसमें से बताना है ना, तो वी आपको मालूम है, एल मालूम है, तो आप आसानी से प्रेशर का डायमेंशन अभी बताया था मैंने। अब देखो एक्स का यहाँ से लिख सकते हैं सॉल्यूशन, यदि आप लिखोगे तो देखो आर रेडियस है, तो हम बोल सकते हैं कि सेम नेचर के क्वांटिटी को हम क्या कर सकते हैं, ऐड करते हैं और क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा एल स्क्वायर, सही है क्या, क्योंकि आर क्या है रेडियस है, तो रेडियस का जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा लेंथ के डायमेंशन के क्या होगा इक्वल होगा है ना, लेंथ के डायमेंशन के क्या होगा इक्वल, तो आर स्क्वायर का डायमेंशन इज इक्वल टू क्या होगा एक्स स्क्वायर का डायमेंशन इक्वल टू क्या होगा एल स्क्वायर का डायमेंशन, ठीक है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा एल स्क्वायर के डायमेंशन के क्या होगा इक्वल होगा, ठीक है। प्रेशर का डायमेंशन अभी मैंने बताया था अभी जस्ट कि पी का डायमेंशन जो होगा वो क्या होगा एम एल माइनस वन टी माइनस क्या होगा टू, फोर्स अपॉन क्या होता है एरिया होता है, तो उससे आएगा, ठीक है। वेलोसिटी का डायमेंशन आपको मालूम है, वी का जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा एल टी माइनस वन, लेंथ का आपको डायमेंशन दिया हुआ है एल लेंथ है, तो लेंथ का भी डायमेंशन आप लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखो क्या होगा, यहाँ से लिख सकते हैं कि अब हम लिख सकते हैं कि डायमेंशन देखो डायमेंशन ऑफ विस्कोसिटी इज इक्वल टू क्या होगा डायमेंशन ऑफ प्रेशर इनटू डायमेंशन ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई फोर, तो डायमेंशन लेस हो जाएगा, तो डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इनटू डायमेंशन ऑफ क्या होगा है, ठीक है। प्रेशर का डायमेंशन लिखो तो एम एल माइनस वन टी माइनस टू इनटू एल स्क्वायर डायमेंशन होगा डिवाइडेड बाई क्या होगा एल टी माइनस वन है ना इनटू क्या होगा एल, ठीक है। तो एल 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 कैंसिल हो जाएगा, आई मीन एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आप जब देखोगे तो ये डायमेंशन कितना हो जाएगा एम है ना एल माइनस वन टी माइनस क्या हो जाएगा टू डिवाइडेड बाई क्या होगा टी माइनस वन है ना। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा एम एल माइनस वन टी माइनस क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आई मीन अपना इस रिलेशन को यूज करें तो डायमेंशन कितना आया देखो एम एल माइनस वन टी माइनस क्या हुआ टू आया, सॉरी टी माइनस वन आया, तो देखो फर्स्ट ऑप्शन में क्या है एम रेस टू जीरो, आई मीन फर्स्ट ऑप्शन डायमेंशन लेस है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं हो सकता है यार, ये भी एम एल टी माइनस वन ये भी नहीं होगा एम एल स्क्वायर टी, तो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा डी होगा, क्या होगा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा डी, ठीक है। तो आपको क्या करना है ध्यान देना है, अभी यहां से देखो है ना,
करंट इन एल आर सर्किट, ए क्या होता है एल आर सर्किट एट एनी टाइम टी इज गिवन एज, देखो क्या है आई इक्वल टू आई नट इन टू वन माइनस ई के पावर माइनस अल्फा टी, ठीक है, या ऐसे लिख देता हूँ बीटा बीटा वेयर, देखो ध्यान से वेयर वेयर अल्फा एंड क्या है बीटा आर क्या है कॉन्स्टेंट एंड टी इज इक्वल टू क्या है देन फाइंड क्या है देन फाइंड फाइंड डायमेंशन ऑफ अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड क्या होगा एंड, ठीक है, देन फाइंड डायमेंशन ऑफ क्या होगा अल्फा एंड बीटा, कैसे सॉल्व करोगे कैसे इसको सोचोगे बताओ, इस टाइप का भी हमने प्रॉब्लम किया है ना, तो इसको आप कैसे सोचोगे देखो, तो अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, पहले कॉन्सेप्ट पे हम आते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है, मैंने ये बताया था कि ई के पावर क्या होगा समथिंग जो होगा वो क्या होगा जैसे ऐसे दिया हुआ है, कॉन्सेप्ट क्या है, यदि आप कॉन्सेप्ट देखोगे कॉन्सेप्ट है ना, इसमें पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि ई रेज टू समथिंग ऐसे दिया हुआ हो डॉट डॉट, तो एक तो क्या होगा ये टोटल क्या होगा डायमेंशनलेस होगा, डायमेंशन लेस, और ये वाला जो टर्म है वो भी क्या होगा डायमेंशन लेस होगा, ठीक है, ई के पावर समथिंग होगा तो पावर भी क्या होगा डायमेंशन लेस होगा, आई मीन और ओवरऑल एक्सप्रेशन भी क्या होगा डायमेंशन लेस होगा, बस यही कॉन्सेप्ट है दूसरा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है। अब देखो दिया क्या है गिवन, गिवन में क्या दिया हुआ है आई इज इक्वल टू बीटा इन टू वन माइनस ई के पावर माइनस अल्फा टी, ठीक है, अब देखो क्या है ये वाला टर्म क्या हो गया डायमेंशन लेस हो गया, तो ये टोटल भी क्या होगा डायमेंशन लेस होगा यार, क्योंकि ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी को ही डायमेंशन लेस क्वांटिटी में हम क्या कर सकते हैं ऐड कर सकते हैं, ये भी क्या होगा डायमेंशन लेस होगा, और आर्गुमेंट भी तो ई भी क्या होगा यार ई भी क्या होगा डायमेंशन लेस होगा, यहां से देख सकते हो कि अल्फा इंटू टी क्या है डायमेंशन लेस है, तो अल्फा का भी डायमेंशन क्या होना चाहिए टी के पावर माइनस वन होना चाहिए, तभी क्या होगा ओवरऑल जो एक्सप्रेशन होगा वो क्या होगा डायमेंशन लेस होगा, ठीक है, ओवरऑल जो एक्सप्रेशन होगा वो क्या होगा डायमेंशन लेस होगा, तो यहाँ से हम देख सकते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं, अब देखो तो हम लिख सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ बीटा इज इक्वल टू क्या होगा डायमेंशन ऑफ क्या होगा आई, ऐसे भी लिख सकते हैं, उसके बाद ऐसे भी लिख सकते हैं कि q के पावर क्या हो जाएगा q इंटू टी के पावर क्या होगा माइनस, और डायमेंशन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ टी के पावर माइनस वन, तभी क्या होगा ये ओवरऑल क्या होगा डायमेंशन, तो ऐसे हम क्या करते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो आज जो था वो क्या है लास्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास था, ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम वर्नियर कैलिपर पढ़ेंगे और स्क्रू गॉज के बारे में पढ़ेंगे, तो एक क्लास में हम वर्नियर कैलिपर पढ़ेंगे और दूसरी क्लास में क्या है स्क्रू गॉज के बारे में पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, तो दो क्लास के बाद आपका जो यूनिट डायमेंशन चैप्टर होगा वो क्या हो जाएगा फिनिश हो जाएगा, ठीक है, तो आज के क्लास में बस इतना ही, ओके, थैंक यू।